तो तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तारी और फिर 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम है। देश की सबसे बड़ी अदालत अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाने जा रही है। हालांकि ईडी अंतरिम जमानत का पुरजोर विरोध कर रही है। हलफनामा दायर करके ईडी ने कहा है कि चुनाव प्रचार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार, ये कानूनी अधिकार भी नहीं है। अभी तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली है, यहाँ तक कि चुनाव लड़ रहे व्यक्ति को भी जमानत नहीं दी गई है। ईडी का कहना है कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव हो चुके हैं, अगर चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाने लगी तो ना तो किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही उसे जेल में रखा जा सकता है, क्योंकि पूरे साल में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। ईडी का कहना है कि अगर अंतरिम जमानत मिलती है तो जेल में बंद दूसरे नेता भी ऐसी राहत मांग सकते हैं। ईडी का ये भी कहना है कि केजरीवाल ने खुद कोर्ट में कोई नियमित या अंतरिम जमानत अर्जी भी दाखिल नहीं की है। Zee News.